स्पार्क 24x7 चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। अगर आप भी कोई सेकंड हैंड पीसी ले रहे हो और आप यह जानना चाहते हो कि इस पीसी की कीमत कितनी हो सकती है, तो आज की वीडियो में आपको यह बताने वाला हूं कि आप इस प्रकार से अपने पीसी की डिटेल चेक कर सकते हो और अपने प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों। यह अंदाज़ा लगाने के लिए आपको कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पर जाना होगा। जैसे आप प्रॉपर्टी पर जाओगे इसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। इसमें कौन सी विंडो की हुई है और कौन सा प्रोसेसर है आप देख सकते हो, इसकी रेटिंग भी पता चल जाएगी और इसमें कितने GB रैम है और इसका सिस्टम टाइप क्या क्या हुआ है, सब इसमें पूरी डिटेल मिल जाएगी दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इसकी हार्ड डिस्क चेक कर सकते हो और आप चेक कर सकते हो कि कितने GB की हार्ड डिस्क इसमें लगी हुई है दोस्तों। इसके अलावा आप डिवाइस मैनेजर पे जाके भी डिटेल चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसमें आपको यह दिखाएगा कि आपने CPU से कौन कौन सी डिवाइस अटैच कर रखी है। आप देख सकते हो मैंने ब्लूटूथ अटैच कर रखी है। इसके अलावा आप जो डिवाइस अटैच करके उस पर राइट क्लिक करके आप सॉफ्टवेयर को अपडेट भी कर सकते हो और डिसेबल और अनइंस्टॉल भी कर सकते हो दोस्तों। ये सभी में ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपने CPU से कोई हार्डवेयर अटैच कर रखा है और उसका सॉफ्टवेयर नहीं हो रखा है तो यहाँ से आपको वो भी पता चल जाएगा, क्योंकि उस पर क्रॉस का सिंबल आएगा। यहाँ पे साउंड ड्राइव भी मैंने क्या रखे हैं और यहाँ पे स्कैन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने कंप्यूटर की पूरी डिटेल चेक कर सकते हो और अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस कंप्यूटर का प्राइस कितना हो सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉलेड ड्राइव दिखा रहा है। आप इस प्रकार से ड्राइव अपडेट भी कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपका नेट कनेक्ट है तो ऑनलाइन हो जाएगा और नीचे ब्राउज करके अपने कंप्यूटर में अगर वो सॉफ्टवेयर पड़ा है तो वहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हो दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर आप नीचे करोगे तो कंप्यूटर से ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। ये देखो स्कैन हो गया है। इसके बाद आप नेक्स्ट करके दोबारा भी इंस्टॉल कर सकते हो दोस्तों, अगर आपके USB में कोई प्रॉब्लम आ रही है। इस प्रकार से दोस्तों अपने PC को मैनेज भी कर सकते हो और अपने PC का अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि इस PC की कंडीशन क्या चल रही है, आप देख सकते हो दोस्तों। अगर आप कंप्यूटर में नए हो और अगर आप चाहते हो कि मैं इसकी पूरी डिटेल चेक कर लूँ तो आप इस प्रकार से चेक कर सकते हो। यहाँ पे प्रोसेसर भी स्कैन और सभी में स्कैन का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा दोस्तों। दोस्तों मैंने विंडोज 7 का रखी है अल्टीमेट और इसमें इस प्रकार का मेनू बार शो हो रहा है, इस प्रकार की विंडोज़ आ रही है। अगर आपने कोई अदर विंडो की हुई है, अगर आप जो PC ले रहे हो उसमें अदर विंडो है तो उसमें मेनू बार में थोड़ा डिफरेंस होगा दोस्तों, आप देख सकते हो लगभग यही होगा दोस्तों, 19-21 ही डिफरेंस होगा, ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं होता है दोस्तों। मैंने सभी सॉफ्टवेयर अपडेट कर रखे हैं और मेरा PC अच्छी कंडीशन में चल रहा है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि कई बार ये होता है कोई हम सेकेंड हैंड PC खरीदते हैं और उस PC की डिटेल नहीं होती है तो प्राइस हमसे ज़्यादा ले लिया जाता है और फिर पता चलता है कि ये PC इतना काम का नहीं था, इसलिए मैं आपको पहले से डिटेल दे रहा हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो इस प्रकार से अपने PC की पूरी डिटेल आप आसानी से चेक कर पाओगे। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों अब हम इस विंडो को भी क्लोज कर देते हैं और हम स्टार्ट मेनू में कंट्रोल पैनल में चले जाते हैं दोस्तों, और कंट्रोल पैनल भी आप यहां पे चेक कर सकते हो दोस्तों। यहां पे टोटल डिटेल दी हुई है, आपको कोई भी मैनेज करना हो तो आप यहां से आसानी से कर सकते हो। और दोस्तों इसके आइकन भी आप अपने हिसाब से सेट करके आसानी से कोई चीज़ सर्च कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों देख सकते हो अब मैं पूरे आइकन्स आसानी से देख सकता हूँ। इसमें अलग अलग आपको जो वर्किंग है इस हिसाब से आइकन अलग अलग दिखाई देंगे दोस्तों। अब देख सकते हो यहाँ पे सभी आइकन्स दिखाई दे रहे हैं। मैं बैक चला जाता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ दोस्तों। अब मैं वापस मैनेज में चला जाता हूं और अब मैनेज में आपको नीचे स्टोरेज दिखा देता हूं दोस्तों, किस प्रकार से आप स्टोरेज देख सकते हो। मैं जैसे स्टोरेज पे क्लिक करूंगा यहां पे डिस्क मैनेजर पे, और आप देख सकते हो ये जितने भी मैंने ड्राइव बना रखे हैं सभी यहां पे दिखाई दे रहे हैं। आप यहां से ड्राइव क्रिएट भी कर सकते हो और ड्राइव को बड़ा या छोटा भी कर सकते हो और अपने ड्राइव को अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों आपको यह ध्यान रखना होगा कि आप जिस ड्राइव को मैनेज करोगे, यानी कोई भी ड्राइव को ब्रेक करके दो ड्राइव में क्रिएट करोगे तो उस ड्राइव में जो भी डेटा होगा वो पूरा डेटा डिलीट हो जाएगा दोस्तों, यह आपको ध्यान रखना होगा दोस्तों। और यहाँ पे आप अगर आपकी स्टोरेज में अगर कोई ड्राइव नहीं बनी है, यानी आपकी 500 GB हार्ड डिस्क है और आपने 300 GB की ही ड्राइव बना रखी है और बाकी 200 GB की भी ड्राइव यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। इस प्रकार से आप अपने पूरे ड्राइव को भी मैनेज कर पाओगे दोस्तों।
आपको यहाँ पे मेरे ड्राइव की साइज़ भी दिखाई दे रही है और टोटल मेमोरी भी आपको दिखाई दे रही होगी दोस्तों, आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस प्रकार से आप अपने जो हार्ड डिस्क की मेमोरी भी चेक कर सकते हो और पूरी डिटेल आप आसानी से चेक कर पाओगे दोस्तों। अगर आप किसी भी ड्राइव पे कर्सर ले जाके राइट क्लिक करोगे तो आपको इस प्रकार से डिटेल दिखाई देगी। आप देख सकते हो वॉल्यूम भी सेट कर सकते हो, और अगर आप अलग ड्राइव पे ले जाओगे तो आपको फॉर्मेट का भी ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे ड्राइव को अपने हिसाब से मैनेज कर पाओगे और ड्राइव को तोड़ भी पाओगे, एक ड्राइव के दो ड्राइव में भी बना पाओगे डिलीट वॉल्यूम करके, आपको ये करना होगा दोस्तों। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव वीडियो मैं लाता रहता हूँ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।